बहुत सालों से फांसी सजा का एक जरिया होता आ रहा है, लेकिन आपने कभी सुना है कि एक हाथी को फांसी दिया गया है और शहर के बीचों बीच लगभग 2000 लोगों के सामने उसको फांसी पर लटका दिया गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक हाथी के बारे में, जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ये बात है अमेरिका के टेनिस शहर का, जहाँ पर फोर्टी पार्क्स नाम का एक सर्कस कंपनी था, जिसमें मैरी नाम का एक एलिफेंट था जो वहाँ पर सर्कस दिखाता था। इस समय फोर्टी पार्क्स अमेरिका का एक फेमस सर्कस कंपनी हुआ करता था। ये साल था 1916, जब सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था और इस सर्कस का एक वर्ल्ड फेमस शो भी था जिसका नाम था स्पार्क्स, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते थे और जिसके चलते फोर्टी पार्क्स कंपनी बहुत सारा पैसा भी कमा रही थी। इस सर्कस का मेन अट्रैक्शन था मेरी, जिसके खेल को देखने के लिए लोग बहुत दूर से भी आया करते थे। मेरी का वेट 5 टन होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा उछल कूद और जोश के साथ सभी को सर्कस में खेल दिखाती थी और सभी को आनंद देती थी। उसका अपने केयरटेकर के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल भी था, लेकिन एक दिन सर्कस के ओनर के साथ मेरी के केयरटेकर की कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो सर्कस छोड़कर चला गया, जिसके बदले सर्कस कंपनी ने एक नया ट्रेनर जिसका नाम रीड एल्डिक्रो था, उसको मेरी को ट्रेन करने और उसका देखभाल करने के लिए लेकर आए। लेकिन ट्रेनर नया होने के कारण उसको मेरी के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात सर्कस कंपनी के ओनर को भी पता थी और मेरी भी ट्राई कर रही थी नए केयरटेकर के साथ एडजस्ट करने की, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और खोया खोया सा रहने लगी थी। कैसे भी करके सर्कस में तो शो मैनेज हो रहा था, लेकिन एक दिन इस सर्कस का एक रोड शो था और जिसमें मैरी भी थी, जो इस शो का एक मेन अट्रैक्शन भी थी। उस दिन उसका केयरटेकर मेरी के ऊपर बैठा हुआ था और मेरी रोड पे चल रही थी। बस रोड शो के कुछ ही समय के बाद मेरी को रोड के दूसरी तरफ खाने का कुछ दिखा और वो रोड शो को छोड़ के रोड के दूसरी तरफ भागने लगी। इस समय मैरी के केयरटेकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैरी पागलों की तरह उस खाने की तरफ जा रही थी क्योंकि उसको बहुत सारा बनाना दिख रहा था जिसको वो खाना चाहती थी। आखिरकार मैरी तो थी एक जानवर ही। ये बात रीड को समझ नहीं आई और मेरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ तेज चीजों से मारा, जिसके कारण वो चोटिल हो गई और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगा और इस चोट से मेरी को बहुत गुस्सा आया और मेरी ने अपने ऊपर बैठे रीड को एक झटके में नीचे जमीन में फेंक दिया और रीड के ऊपर पैरों से हमला कर दिया, जिसके कारण उसी समय रीड जो मेरी का ट्रेनर था उसकी मौत हो गई। मेरी के इस गुस्से के कारण वहाँ पर जो भी सर्कस देखने आए थे वो सब लोग भागने लगे। इसके बाद सारे लोग उस बेजुबान मेरी के ऊपर हमला करने लगे और उसको मारने लगे, जिसमें सर्कस के कुछ लोग भी शामिल थे। किसी तरह मेरी वहाँ से बच निकली, लेकिन पूरे शहर के लोगों ने ठान ली कि किसी भी तरह मेरी को जान से मार दिया जाए। किसी ने बोला कि उसको तड़पा कर मारा जाए और किसी ने बोला उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर, जिसके चलते वहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट के कारण सरकार ने मेरी को फांसी देने की ठान ली। ये दिन था 13 सितंबर 1916। इस दिन मैरी को फांसी दी गई थी लगभग 2000 लोगों के सामने। मैरी एक एशियन एलिफेंट थी, उसको उठाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाला एक क्रेन को लाया गया, लेकिन पहली बार जब मेरी को क्रेन से लटकाया गया तब क्रेन का चेन टूट गया और मेरी क्रेन से 20 फुट नीचे आ गिरी और उसका गर्दन टूट गया और खून निकलने लगा। फिर भी वहां पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला और फिर से मेरी को चेन से बांधकर क्रेन में चढ़ाया गया और आखिरकार तड़पते हुए वो मर गई। दोस्तों, मेरी एक बेजुबान जानवर थी और उस दिन उसको खाने पर रोका गया था और ना मानने पर उसको मारा भी गया था, जिसके कारण मेरी गुस्से में आकर रीड को मारा था और इस गुस्से के कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया। उस दिन मेरी को मारा नहीं गया था, उस दिन इंसान की मानवता को मारा गया था। हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी हमने मेरी जैसे एक बेजुबान जानवर को मार दिया और ये चीज दिखाता है कि इंसान सिर्फ इंसान के बारे में ही सोचता है, किसी और की नहीं। ये कहानी इंसान की क्रूरता को दर्शाता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।